आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, जहाँ सीधे सीधे बातचीत करेंगे फिरोज जामाई साहब से। फिरोज जामाई साहब का पंजाब में पूरी तरह से क्या कहना चाहिएगा? मेरा इसमें यही कहना है कि जो भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिक जो पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ करा है, आप पार्टी ने झाड़ू चला के बता दिया है कि वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से पंजाब के अवाम ने और इससे पहले दिल्ली के अवाम ने झाड़ू चला के इसका दोनों का कांग्रेस का बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था, वो दिन दूर नहीं है। देश का और जो दूसरे अदर राज्य हैं, क्या वो हिमाचल प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या हरियाणा हो या गुजरात हो, हमारे हर जगह के लोग झाड़ू को चलाएंगे और इन भ्रष्टाचारी और सांप्रदायिक दोनों पार्टियों को बीजेपी की और कांग्रेस की जमानत जब्त करके दिखाएंगे। आरिफ भाई यहाँ पर है, अमानतुल्ला खान साहब के ऑफिस से कवरेज कर रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा पंजाब की जीत को लेकर? देखिए रिजवान भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब की जनता ने जो आज ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने करी है, जो हम दिल्ली मॉडल पंजाब में लेकर गए थे, वो मॉडल हम जो हमने कहा वो पूरा करेंगे और पंजाब मॉडल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। यही देखिए कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, एक और करते जी क्या कहना चाहिएगा? आम आदमी पार्टी का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पंजाब में सरकार आ गई आम आदमी पार्टी की, इंशाल्लाह 2022 के अंदर एमसीडी चुनाव दिल्ली के अंदर होंगे, 272 सीटों में से अब की बार 260 सीट शो के 100% आएगी। आने वाले टाइम पे 2023 में पीएम चुनाव है, पीएम हम उनको देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जी, आप देख सकते हैं कि एमसीडी का इलेक्शन जिसकी डेट अनाउंस करने वाला थे अभी इलेक्शन कमीशन, लेकिन हार के डर से जिस तरह से बीजेपी आप पार्टी से करके भागी है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जैसे इन्होंने एमसीडी का इलेक्शन डाला है। जल्दी आप पार्टी से डर कर ये बीजेपी के लोग बाकी इलेक्शनों को भी टालते हुए घूमेंगे, लेकिन ये जनता इन्हें सबक सिखाएगी और झाड़ू चलाएगी और केजरीवाल जी को पीएम बनाएगी। जय हिंद जय भारत। जी लगातार हम लोगों में जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं पंजाब की जनता को दिल से सलाम करना चाहूँगा, इतने प्रेजेंट बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को मजबूत से वहाँ पर बहुमत से जिताया है, इसी को लेकर के मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत दिल्ली मॉडल को लेकर के पंजाब में पहुँचे। और इसी के साथ मैं जैसे कि एमसीडी में चुनाव को लेकर के बीजेपी ने भाग ली, बीजेपी भागी है, चुनाव आयोग का कल करना था, उनको अनाउंसमेंट करना था, लेकिन उस अनाउंसमेंट को ना करके हम 250 सीट लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब हमें जितना टाइम और ज़्यादा मिलेगा हम 272 सीट 272 में लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल, हम लगातार ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लस वाली।